नगर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा मुगावली विधानसभा के उम्मीदवार केपी यादव के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को और स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को अच्छी सौगात में देने की बात कही, जिसमें जिस किसान के पास कम जमीन है, जिसकी वजह से वह मंडी में अपना अनाज नहीं बेच पाता है, उसका भी अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और जो छात्राएं 70% रिजल्ट लाएंगे, मुख्यमंत्री द्वारा स्कूटी दी जाएगी। पिपरई तहसील जिला अशोकनगर से इंडियन प्राइम न्यूज संवाददाता श्री प्रताप यादव की रिपोर्ट। बताऊं, और अभी कल मैंने फैसला किया है, भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने फैसला किया है, मेरी बेटियों को भी ढंग से पढ़ाना। ये बेटिया 12वीं में 75% नंबर लेके आएगी तो मामा उनको स्कूटी भी दिलवाएगा, ताकि स्कूटी पे बैठ के मेरी बेटियां कॉलेज जाने का काम करे। माँ बहन और बेटी की जिंदगी बदलूंगा। कांग्रेस के लोग अपमान करते, कमलनाथ कहते टिकट कोई सजावट के लिए देते क्या, महिलाओं के लिए? माँ बहन और बेटी, मैंने भी बेटियों का पूजन किया, गंगा गीता गायत्री है, सीता सबका सावित्री है, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, और ये धरती वो धरती है जिसपे कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ रहेंगे?